ये ड्रेस जो बहुत पुराना, 100 साल पुराना, ये मैंने इसलिए करवा लगा। मम्मी कैसा था बड़वा? भी आते हैं लकड़ी बर्तन का नाम लिखा हुआ, सब अपना अपना नाम लिखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं इंडियन कॉफी हाउस, जो कॉलेज में 150 साल पुराना है। तो वहाँ जाके हम लोग पता लगाएंगे क्या क्या चीज़ वहाँ पर कॉफी हाउस में, कितना पुराना पुराना चीज़ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम लोग आ गए हैं इंडियन कॉफी हाउस, अब इसके अंदर हम लोग जाएंगे। चलिए आ जा। गाइस यहाँ पर दो फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में इंडियन कॉफी हाउस है, ये देख सकते हैं। मैं आपको पीने का यहाँ से दिखाऊंगा, ये देखिए, ये देख सकते हैं। सेकंड फ्लोर में इंडियन कॉफी हाउस और थर्ड फ्लोर में भी है। अब हम लोग ऊपर आ रहे हैं थर्ड फ्लोर, और उधर क्या है, तीन है। तो गाइस देख सकते हो मेरा पीछे, ये ऊपर से और पीछे का कैमरा से मैं दिखाने वाला हूँ पूरा नीचे का व्यू। देख सकते हो गाइस, ये है मेन्यू, और ये देख सकते हो गाइस, ये है भीड़ नीचे का। देख सकते हो नीचे में कितना भीड़ है, और ऊपर में देख सकते हो ऊपर में भीड़ है। तो गाइस अभी हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, पता नहीं है ऑर्डर कहाँ दे रहा है। हम लोग वेटर का आने का वेट कर रहे हैं, वो अभी बोल रहा है कि वेटर आएगा तो ऑर्डर लेगा। तो अभी हम लोग वेटर आने का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई वेटर हमको दिख नहीं रहा। वेटर अभी तक ऑर्डर लेने आया नहीं है। मैं बोल रहा हूँ उसको जाके वहाँ ऑर्डर दे, क्या हमको नहीं लगता वेटर आएगा। तो वेटर का वेटर तो दिख नहीं रहा, तो फिर ऑर्डर कौन लेके आएगा? ऑर्डर अभी देखो भाई, सभी वेट कर रहे हैं वेटर का। अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया आपका हॉट कॉफ़ी, 5 हॉट कॉफ़ी ऑर्डर किया, वो अभी लेके आ रहा है। मैंने सुना था कि यहाँ बहुत ही पुराना पुराना चीज़ें होंगे, लेकिन पुराना नहीं बोल सकते, 150 साल ये पुराना, ये सिर्फ कॉफ़ी हाउस है। और यहाँ पर जो लोग वेटर्स हैं कैसे जो करते हैं, ये देख सकते हो, ये वेटर बहुत पुराना ज़माने में ऐसे कपड़े पहन के सर्व किया जाता था, वैसे अभी भी सर्व किया जाता है इंडियन कॉफ़ी हाउस में। और यहाँ पर बहुत सारे चित्र है, जो बहुत पुराना पुराना चित्र है, वो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाने वाला हूँ। ये है चित्र जो पुराना है, और बहुत सारे एक दो तीन दो चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं, और इधर भी एक चित्र है, और इधर भी है, ये देख सकते हो गाइस। नाम क्या है इसका, नाम नहीं लिखा हुआ गाइस, ये अच्छे लग रहा है इधर से। और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, जितने भी आते हैं स्कूल से या जहाँ से भी आते हैं, लकड़ी बर्तन का नाम लिखा हुआ है, सब अपना अपना नाम लिखते हैं। रितिशा और ये गेट में नाम लिखा हुआ वहाँ पर देख सकते हो। एक ऐसे जगह पर कोई नहीं सोच सकता कि यहाँ पर नाम कोई लिखा हो सकता है। तो गाइस ये देखिए, ये है नाम लिखा हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जैसे लाइट। ये देख सकते हो गाइस, दिस इज अ क्रेजी फॉरएवर TVS कबीर नेहा कबीर। आने का बाद एक चीज़ तो पता चला कि इस जगह का कोई भी दीवार बचा नहीं हुआ है, क्योंकि उस हर एक दीवार के अंदर नाम लिखा हुआ है, ऊपर हो या नीचे हो, पूरा का पूरा दीवार में नाम लिखा हुआ है। इधर लिखा हुआ, उधर लिखा हुआ, उधर भी दिख रहा है, पूरे पूरा पूरा मतलब कि पूरे इंडियन कॉफी हाउस की दीवारों पर नाम लिखा हुआ है। लवर्स ज़्यादातर यहाँ आते हैं, कपल्स ज़्यादातर यहाँ आते हैं, अपना नाम लिखे जाते हैं, डेट लिखे जाते हैं। जो बहुत पुराना 150 साल 100 साल पुराना, वही अभी भी वही चलता है यहाँ पर ड्रेस। और हम लोग का कॉफ़ी आ गया है गाइस, ये देख सकते हो। कॉफ़ी का सर्व करने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और हम लोग का कॉफ़ी आ गया, और कॉफ़ी मैं टेस्ट करके आप लोगों को बताने वाला हूँ कॉफ़ी कैसा है। गाइस कॉफ़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा है, इसका प्राइस है 32 रुपये देना, 40 का के 32। गाइस इस कॉफ़ी का नाम 32, तो हॉट कॉफ़ी है, कॉफ़ी बहुत ही अच्छा बना है गाइस। कॉफ़ी है ये, कॉफ़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा है, और अभी मैं कॉफ़ी पी के पीने वाला हूँ, क्योंकि ठंडा हो जाएगा कॉफ़ी थोड़ा देर बाद। मैं आपको दिखाने वाला कल्चर है भाई, काफ़ी ज़्यादा यहाँ हमेशा ही पीते रहते हैं, पानी बढ़िया लगता है। फाइनली गाइस कॉफ़ी खत्म हो गया है,
पी लिया मैंने कॉफ़ी और यहाँ पर हम फोटो वोटो खींचे, फिर उसके बाद चला जाएंगे घर और फोटो खींचते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। सेकेंड और थर्ड फ्लोर वो है इडन कॉफ़ी हाउस और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं नीचे। अभी हम लोग कॉलेज स्ट्रीट में क्या चीज़ है वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। कॉलेज स्ट्रीट स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है वहाँ तक से बुक का स्टोर है, सबसे बड़ा बुक स्टोर यहीं पर है कॉलेज स्ट्रीट, जिसमें हर एक तरह का बुक मिल जाएगा। कोई ऐसा बुक नहीं है जो हर कॉलेज स्कूल जितना भी बुक है ICSE WBCA CBSE हर चीज़ का बुक यहाँ पर मिलता है, ये कॉलेज स्ट्रीट का देख सकते हो। और यहाँ पर कॉलेज भी है और इंडियन कॉफ़ी हाउस में जो भी भीड़ था वो ज़्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट थे, ज़्यादातर क्या सबसे ज़्यादा वहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंट ही आते हैं। कुछ लोग आते हैं जो फोटो वोटो खींचने आते हैं, वीडियो बनाने आते हैं, तो आज मैं गया वहाँ पर वीडियो बनाया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से घर, वो कॉल नंबर होगा। ऐसे ऐसे दुकान कॉलेज स्ट्रीट में ज़्यादातर मिलते हैं, छोटे छोटे दुकान में इतने सारे बुक मिलते हैं, हर एक का स्टॉल नंबर होता है बुक का, ये देख सकते हो। जो गली में इधर घुसोगे उस गली में बुक मिलेगा, ये देख सकते हो बुक, इतने सारे बुक है, सेकेंड हैंड न्यू बुक सारे बुक यहाँ पर मिलते हैं, कम प्राइस में, हाफ प्राइस में, आधा प्राइस में सेकेंड हैंड बुक मिलता है। और बाकी तो आप लोग के ऊपर ही कितना कम करा सकते हैं, ज़्यादा करा सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग गए थे इंडियन कॉफ़ी हाउस, वहाँ का मैं रिव्यू लेने वाला हूँ सबसे, कॉफ़ी कैसा था, कैसा कॉफ़ी लगा उनको, पी के कॉफ़ी कैसा लगा, पूछना मिल गया भाई आपको कॉफ़ी कैसा लगा। एक घर मस्त आ गया मगर वो जो सुमित है स्पून से अपना कॉफ़ी को मिलाया ही नहीं इसलिए कड़वा लगा। कॉफ़ी कैसा था कड़वा गाइस, ये कॉफ़ी स्पून दिया था, कॉफ़ी में चीनी था उसको मिलाने के लिए, लेकिन ये बिना चीनी मिलाए हुए वीडियो कभी नहीं बनेगा, ये बिना चीनी मिलाए हुए पी लिया कॉफ़ी। आप गाइस तीता तो लगेगा ही क्योंकि जब तक स्पून से चीनी नहीं मिलेगा तब तक ऐसे रहेगा। बॉबी कैसा लगा तेरे को कॉफ़ी, कॉफ़ी कैसा लगा? पी के काफ़ी ज़्यादा टेस्टी, काफ़ी ज़्यादा मस्त है। और सबसे ज़्यादा खासियत यह है कि वो बहुत ज़्यादा पुराना है, वो ब्रिटिश ज़माने का है, 150 साल पुराना है। तो आप लोग आइए, उसका लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस मैं इंडियन कॉफ़ी हाउस का लोकेशन मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और कॉफ़ी हाउस में आप लोग आइए पी के आप लोग खुद देखिए कैसा कॉफ़ी है। हम लोग का रिव्यू अलग होता है, हम लोग का टेस्ट अलग होता है, आप लोग टेस्ट करके देखो। बहुत सारे कॉफ़ी थे, कोल्ड कॉफ़ी था, कोल्ड कॉफ़ी विद क्रीम था, तो वो आप लोग आइए कैसा कैसा कॉफ़ी आपको पसंद है वो पी के दिखाइए, फिर इसके बाद कमेंट करिए कैसा लगा आपको। चलिए तो हे गाइस मैं घर आ गए हूँ और यहाँ तक जो भी देख रहे हैं उनको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने इंडियन कॉफ़ी हाउस का लोकेशन का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाओ वहाँ पर विजिट करो और देखो कैसा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।